गोल्डन कोचिंग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, जो आपके हर कंपटीशन में काम आएगा नाउन। तो नाउन के बारे में, उससे पहले अपन देखते हैं कि नाउन की जरूरत पड़ती क्यों है। तो हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका कहाँ उपयोग होता है। तो हम देख रहे हैं कि नाउन में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो नाउन या प्रनाउन जो सब्जेक्ट की जगह आता है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह, इसीलिए हम देख रहे हैं नाउन को। तो नाउन आज हम पढ़ रहे हैं नाउन के बारे, नाउन की डिटेल देखेंगे। इसी प्रकार से एक चैप्टर्स की हम डिटेल देखेंगे। वर्ड होता है नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ को नेम करना, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, मेटेरियल हो, मैटर हो, स्टेट हो, एनी सब्जेक्ट हो, नंबर हो, एक्टिविटी हो, फीलिंग हो, एटसेट्रा, विजिबल और नॉन विजिबल, फॉर बोथ, दैट इज द नाउन। नाउन किसी भी चीज को हम अगर नामकरण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि भाई नाउन क्या है। नाउन के दो प्रकार से पहचान हम कर सकते हैं, एक तो यह है कि जनरल तरीके से हम पहचान सकते हैं, दूसरा स्पेसिफिक है हमारे पास। तो जनरल तरीके से हम नाम को कैसे पहचानेंगे, ऐसे संज्ञाओं को पहचानेंगे हम, ऐसे नाम को पहचानेंगे जिसकी हमारे को बोलने से, देखने से या लिखने से, किस किस चीज से, बोलने से, देखने से या लिखने से, किसी भी प्रकार से अगर कोई हमारे दिमाग में पिक्चर बनती हो, क्या बनती है हमारे दिमाग में, पिक्चर बन जाए तो हम ये जान लेंगे कि वो नाउन है। जैसे मिठाई हम बोले स्वीट्स, तो स्वीट्स मिठाई हमें पता है, गुलाब जामुन है, कलाकंद है, ये सब चीजें, तो मिठाई की हमारे तस्वीर बन गई, तो स्वीट्स जो है क्या हो गया, नाउन हो गया। इसी कारण से बॉय लड़का, तो लड़का भी हमारे दिमाग में तस्वीर बन गई, तो हम देखते हैं ये भी क्या नाउन है। बुक, बुक की भी तस्वीर बनती है तो एक नाउन है। राम है, चाहे प्रॉपर नाउन है, हम देखते हैं तस्वीर बन गई, नाउन है। ये कहा से शुगर है, चीनी, तो इसकी भी हमारे दिमाग में तस्वीर बनेगी। तो पहली तो जनरल पहचान हो गई कि उसकी हमारे दिमाग में बोलने से, सुनने से, पढ़ने से, लिखने से क्या बने, दिमाग में पिक्चर बन जाए। और अगर पिक्चर नहीं बनती है तो दूसरा तरीका क्या है हमारा नाउन को पहचानने का, कि उसका जवाब वो, वूम या वाट का जवाब होना चाहिए। अगर इसका जवाब है तो भी क्या है, वो वहां नाउन है, चाहे वो पिक्चर बने या ना बने। देखो जैसे मान लीजिए ये है स्टेटमेंट, एन इंटरेस्टिंग टीचर वाज स्टैंडिंग देयर, एक रुचिकर अध्यापक यानी रुचि लेने वाला अध्यापक वाज स्टैंडिंग देयर, वहां खड़ा हुआ था। तो अब इसमें हम वू का अगर जवाब मांगेंगे, वू वाज स्टैंडिंग देयर, वहां कौन खड़ा था, तो इसका जवाब क्या होगा हमारा, एन इंटरेस्टिंग टीचर। तो एन इंटरेस्टिंग टीचर ये क्या हो गया हमारा, एन इंटरेस्टिंग टीचर नाउन हो गया। तो ये नाउन है, तो नाउन है किस किस का काम करता है, तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट की जगह आया, देखो वर्ब से पहले एन इंटरेस्टिंग टीचर। तो ये किस, दूसरा उदाहरण लेते हैं, वूम से हमें जवाब देखना है कि भाई ये नाउन है या नहीं है। तो आई मेट एन इंटरेस्टिंग टीचर, मैं एक रुचिकर अध्यापक से मिला, तो वूम आई मेट, वूम का जवाब क्या है, I met an interesting teacher. तो क्या जवाब हुआ, an interesting teacher. तो an interesting teacher ये क्या हो गया, noun हो गया, क्योंकि किसका जवाब है, whom का। इसी प्रकार से तीसरा अगर यदि हम उदाहरण लें, तो तीसरा उदाहरण देखिए आप, पहला हमने whom का देखा था, दूसरा whom का देखा, तीसरा हम देख रहे हैं what का। तो I found an interesting book, मेरे को एक रुचिकर पुस्तक प्राप्त हुई। तो what, वाट का जवाब देखना है इसमें, वाट आई फाउंड, तो वाट आई फाउंड का क्या है जवाब, एन इंटरेस्टिंग बुक। तो एन इंटरेस्टिंग बुक जो है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हमें
नाउन की पहचान के लिए अगर कोई तस्वीर नहीं बनती है तो स्पेसिफिक तरीका है हमारा नाउन को जानने का कि कोई शब्द नाउन है या नहीं है, वो गुम या वार से हम देख सकते हैं। मेट एन टीचर और गुम आई मेट ए टीचर, तो टीचर जवाब हो सकता था एन इंटरेस्टिंग टीचर लगा दिया तो एक से अधिक शब्द, तो नाउन हमारा जो है सिंगुलर वर्ड का भी हो सकता है कंपाउंड भी हो सकता है। ये फंक्शन जाने नाउन फंक्शन क्या क्या है, नाउन क्या कार्य करता है, तो नाउन हमारे तीन कार्य करता है, या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा, या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, या वो प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का या कंप्लीमेंट का कार्य करता है। अब ये जो नाउन है ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है और कंपाउंड वर्ड में भी हो सकता है। कंपाउंड का मतलब जब एक से अधिक शब्द हो, दो हों, दो से अधिक हो, है तो वो कंपाउंड कहलाता है। जैसे हम देख रहे हैं मदर, मदर माता जी, ये सिंगल है। अब इसी प्रकार कंपाउंड स्टेप मदर, सौतेली माँ, सौतेली माँ, ये कंपाउंड हो गया, दो आगे के लिए एक स्टेप आ गया, एक मदर का, दो शब्दों से मिलके बना तो कंपाउंड कहलाएगा। अब इसी प्रकार से सन है और सन इन ला, तो ये इसके बीच में देखो ये योजक चिन्ह लगाएंगे डैश, तो ये सन पुत्र है, सन इन ला दामाद है। इस प्रकार से हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, जैसे मदर का मदर्स हो सकता है मदर्स, इसी प्रकार से स्टेप मदर का स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स, ये प्रमुख शब्द में लगाना पड़ता है तब ये बहुवचन बनता है। ऐसे सन का सन्स है, सन इन ला, तो सन इन ला का सन्स, क्योंकि इसका प्रमुख शब्द क्या है सन है, इसलिए सन्स इन ला। अब हम सन इन लाज कर देंगे तो हमारे कई ससुरालों से अर्थ हो जाएगा जो हमारे नहीं हो सकते, जैसे राजा दशरथ के थे, औरों की भी है जिनकी कई साथ से टीचर है। एन इंटरेस्टिंग टीचर, एक रुचिकर अध्यापक, टीचर का बहुवचन हो सकता है टीचर्स हो सकता है टीचर्स, इसी प्रकार से एन इंटरेस्टिंग टीचर्स। इस प्रकार से ये सिंगल और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। नाउन का जो अर्थ है वो नेमिंग वर्ड से है, अभी मैंने बताया आपको नाउन इज दी नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का जो नेमिंग वर्ड है चाहे वो विजिबल हो और नॉन विजिबल हो। विजिबल को तो मैंने बताया तो पिक्चर बनती है, तस्वीर बन जाती है, और नॉन विजिबल में हम क्या करते हैं वो बूम और वाट का जवाब देते हैं, तो चाहे विजिबल हो और चाहे नॉन विजिबल हो और बूम से जवाब दे लेते हैं और ये जवाब मिल जाता है नेमिंग वर्ड के साथ, तो हम ये समझ लेते हैं कि वो नाउन है, अदरवाइज नाउन नहीं है। देखिए थीफ, एजेंट, ऑथर, कोई भी ऑथर हो सकता है, कोई भी एजेंट, एक प्रकार से ये जो है जितने पर्सन है इनकी तस्वीर हमारे दिमाग में बन रही है सभी के लिए है, तो ये कॉमन कहलाएगा। अगर हम उसका भी पर्टिकुलर नाम अगर यदि हो जाए, ये पर्टिकुलर हम नाम डाल दें, तो ये पर्टिकुलर नाम डालने पर वो प्रॉपर हो जाता है, जैसे राम है, सीता है, इसी प्रकार से दिनेश है, ये प्रॉपर हो जाएंगे। इसी प्रकार से प्लेस है, प्लेस में जैसे कंट्री है, सिटी है, टाउन है, फील्ड है, कोई भी फील्ड हो सकता है, कोई भी टाउन हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है, कोई भी कंट्री, लेकिन इनका अगर हम नामकरण कर दें प्रॉपर पर्टिकुलर तरीके से तो पर्टिकुलर नेम इज द प्रॉपर नाउन, तो इससे प्लेस से भी हमारा प्रॉपर बन जाएगा। जैसे इंडिया, ये भारत की तस्वीर बन गई हमारे दिमाग में, जयपुर, जयपुर शहर की बन गई प्रॉपर, दूसरा जयपुर नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी से स्टूल है, चेयर है, इनका भी अगर हम नामकरण अगर कर देंगे, इसी प्रकार से बुक है तो वो कॉमन हो गया, कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन नामकरण कर दें तो प्रॉपर बन जाएगा, जैसे रामायण है, महाभारत है, इस प्रकार से ये पर्टिकुलर नाम देने पर ही ये प्रॉपर हो जाते हैं। इसी प्रकार से मेटेरियल नाउन, जैसे इसमें मेटेरियल की बात आती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाते हैं, जैसे सॉलिड में देखें जैसे गोल्ड है, स्टील है, आयरन है, तो ये क्या है नाउन में हमारी तस्वीर बन रही थी। इसी प्रकार से
लिक्विड में हम देखें जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, तो इनकी भी तस्वीर बन रही है, तो ये भी क्या नाउन है। गैस को हम जानते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको हम फिल्स कर सकते हैं, तो ये भी क्या है नाउन है, ये भी क्या है नाउन है। इसी प्रकार से स्टेट हम देखें जैसे एक्सपीरियंस है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये सब क्या है स्टेट बता रहे हैं, दशा को बता रहे हैं, स्थिति को बता रहे हैं, तो ये स्थिति को बता रहे हैं, तो ये भी क्या है नाउन है। इसी प्रकार से कोई एक्शन के नेमिंग वर्ड हम डाल दें अर्थात एक्टिविटी को बताए तो वो भी क्या है नाउन है, जैसे डांसिंग है, म्यूजिक है, टीचिंग है, इस प्रकार से ये भी क्या है ऑब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, आर्ट्स और साइंस के जितने भी सब्जेक्टों में नाम है वो भी क्या होते हैं नाउन होते हैं। एनिमल काऊ है, डॉग है, एलिफेंट है, कोई भी हो सकता है, तो कॉमन नाउन हो गए। अगर इन्हीं का हम अगर नाम डाल दें पर्टिकुलर, मान लो अगर हम कर दें रेड काऊ कर दें, तो ये हमारे क्या है पर्टिकुलर नाम हो गया, या गंगा डमना ऐसा नाम डाल दें हम, ऐसे डॉगी का हम नाम डाल देते हैं, हमारे का टाइगर है, तो ये क्या है और प्रॉपर हो जाएगा टाइगर। इनफैक्ट जैसे क्रिकेट झिंगुर को हम बोलते हैं झिंगुर को, तो झिंगुर क्रिकेट। एक्टिविटी सब्जेक्ट एनिमल इंसेक्ट्स एक्सेट्रा जिसके भी हमारे यहाँ तस्वीर बनती है वो विजिबल हो तो नाउन है, और अगर नहीं बनती है तो नाउन की पहचान कैसे करेंगे, वो वाट और हुम का हम जवाब ढूंढ ले, इस प्रकार से हमें जवाब मिल जाता है, तो हम ये देखते हैं कि वो क्या है नाउन है नहीं है। तो छात्रों आज हमारा यही था कि हम आपको नाउन के बारे में परिचय कराएं कि नाउन है क्या, क्या कार्य करता है और उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको मेरे अन्य वीडियो इसी क्रम से जल्दी मिलते रहे। और अब अगले वीडियो में हम आपको नाउन के काइंड्स बताएंगे और उन पे आए हुए प्रश्न बताएंगे परीक्षा में कि उनको हल कैसे करते हैं हम। तो जय हिंद, जय भारत।